नमस्ते दोस्तों। अगर हम कोई काम कॉन्स्टेंटली करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो हम 100% सक्सेसफुल होते हैं। अगर हमें मसल डेवलप करने हैं और हम सिर्फ 2 दिन अगर जिम में जाएं, तो हमारे मसल्स डेवलप नहीं हो सकते। अगर हमें वेट रिड्यूस करना है और हम सिर्फ 2 दिन चलते हैं या रनिंग करते हैं, तो हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम रोज जिम जाते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल डेवलप होते हैं। अगर हम रोज वॉकिंग करते हैं, रोज रनिंग करते हैं, तो 15 दिनों में, 1 महीने में हमें रिजल्ट मिलता है कि हमारा वेट कम हो गया। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। एक गुरुकुल था, वहाँ कई छात्र पढ़ते थे। उस गुरुकुल के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। अगर कोई छात्र अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उस गुरुकुल से निकाला जाता था। एक साल एक छात्र अनुत्तीर्ण हो गया। उसे गुरु की बहुत डांट पड़ी और जैसे कि उस गुरुकुल का रूल था, उसे गुरुकुल से जाने को कहा गया। फिर वह छात्र आचार्य को मिला और उसने आचार्य को कहा कि हे गुरुवर्य, मैं जो भी पढ़ता हूँ, मेरा विस्मरण हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ और इसलिए मैं अनुत्तीर्ण हो गया। तब उस गुरु ने उसे कहा कि अगर जो भी सीखा हुआ तू भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, तो यह विद्या तेरे क्या काम आएगी, तो इसलिए यह बेहतर है कि आप यह गुरुकुल छोड़ जाइए। और उसे निकाला जाता है। वह बहुत उदास हो जाता है और दूसरे दिन सुबह अपने गांव जाने लगता है। जाते जाते वह बहुत दुखी होता है और वही सोचते रहता है कि मैं घर जाके घर वालों को क्या बताऊंगा, गांव के लोगों को क्या बताऊंगा, और बहुत उदासी से वह चलते रहता है। बाद में दोपहर में कड़ी धूप होती है और बहुत गर्मी बढ़ जाती है और इसलिए वो थोड़ा विश्राम करने का सोचता है और एक जगह बस्ती देखकर एक पेड़ के नीचे वो विश्राम के लिए बैठता है। उसे काफ़ी भूख लगी हुई रहती है और इसलिए उस आश्रम से लिया हुआ सत्तू वो खाने लगता है। खाना खाने के बाद उसे प्यास भी लगती है और इसलिए वह उस बस्ती में जो नज़दीक कुआं होता है वहाँ पे जाता है। कुएं पे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ कई गांव वाले रस्सी के साथ उस कुएं से पानी निकालते हैं और पानी पीते हैं। उसके ध्यान में एक बात आती है कि कई दिनों से वह रस्सी उस कुएं पे घिसी जा रही है और उसके कारण उस पत्थर पर उस रस्सी का एक गहरा निशाना वहाँ पे होता है। तो वो सोचता है कि अगर बार बार घिसने से, उस रस्सी का घिसने से अगर पत्थर पर, इतने कठिन पत्थर पर इतनी बड़ी निशानी होती है, तो अगर उसी प्रकार अगर मैंने बार बार पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की, तो मेरे दिमाग में वह बात पूरी बैठ जाएगी और फिर मेरा विस्मरण नहीं होगा और मैं अच्छे मार्क्स, अच्छे गुण परीक्षा में मिला सकता हूँ। और उसे वो बहुत उत्साही हो जाता है और आत्मविश्वास से वह सोचता है कि मैं अब वापस गुरुकुल जाऊँगा और वो वापस गुरुकुल जाने लगता है। और थोड़े देर के बाद गुरुकुल पहुँचता है और पहुँचने के बाद आचार्य को कहता है कि मुझे आप वापस इस गुरुकुल में लीजिए। पूरी बात वो उन्हें बताता है, उस रस्सी की कहानी वो गुरु को बताता है। गुरु उसका संकल्प देखकर, उसकी बातें देखकर, उसका आत्मविश्वास देखकर प्रसन्न होते हैं और उसे वापस गुरुकुल में लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे ये आखिरी मौका देता हूँ, अगले साल अगर तू अनुत्तीर्ण हुआ तो
तो तुझे यहाँ से निकाला दिया जाएगा। तो छात्र कहता है कि नहीं नहीं मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और उसी प्रकार वह कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ दिन रात मेहनत करता है और अगले साल परीक्षा में बहुत अच्छे गुण मिलाता है और पहले नंबर से उत्तीर्ण होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार अगर हम हमारे कार्य में कंसिस्टेंसी बताते हैं, कोई भी कार्य कॉन्स्टेंटली करते हैं, तो हमें उसे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और हम सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।